आपने देखा किस तरह पिछले पार्ट में सुंदर ने दरोगा को मारकर अपराध जगत में अपना रुतबा और सिक्का जमा दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को नाकामी मिलने के कारण सुंदर के वांटेड के पर्चे हर जिले हर राज्य में लगा दिए गए। कैसे हो इंस्पेक्टर साहब? बढ़िया बढ़िया। आओ बैठो प्रिंसिपल साहब। और कैसे आना हुआ? आने का तो आपको पता ही है कि सुंदर ने क्या कर रखा है। सुंदर ने रात एक पुलिस वाले का मर्डर कर दिया है और सुंदर खुला घूम रहा है। हमें लगता है कि आपका प्रशासन सुंदर को पकड़ने में पूरी तरह से विफल है। मास्टर जी, यह लड़ाई आपकी नहीं है, यह लड़ाई सुंदर की अब प्रशासन से है। आपको पता होगा कि सुंदर ने रात ही एक पुलिस वाला का मर्डर किया है। और हाँ, सुंदर के वांटेड के पर्चे हर जगह छप चुके हैं। सुंदर को हर राज्य की पुलिस ढूंढ रही है। और हाँ, सुंदर बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। और क्या खबर लाए हो सुंदर की? सुंदर इस बार नवरात्रि में काल का मापर छत्र चढ़ाने दिल्ली जा रहा है। मास्टर जी, ये क्या खबर, ये सच्ची है? आज से पहले क्या मैंने कोई भी खबर आपको झूठी दी है? मास्टर जी, लगाते हैं इस बार पुलिस का मेला। यदि ये बात सच है तो सुंदर को हम कालकाजी मंदिर पर पकड़ेंगे, वो भी छत्र चढ़ाते हुए। तो कौन है भाई? मेरा नाम लाला है, मैं गॉम में से आया हूँ। अच्छा। अरे भाई, मुझे गॉम में आपके पोस्टर लग रहे है। लाया है? हो गई खेमचंद पढ़ियो। अरे वाह सुंदर वाह, शेर पे रख दिया इनाम। तरक्की तो होनी ही, तरक्की तो होनी है भाई। अरे भाई, आपका नाम जग सारे में घूम रहा, गांव शहर हर गली गली में सुंदर का नाम गूंज रहा भाई। और आप जैसा इंसान होना जरूरी है। ये भ्रष्टाचार और जितना भी फैल रहा है ना करप्शन, इसे मिटाने के लिए आप जैसा इंसान होना जरूरी भाई है। एक बात और, क्या हुआ? पुलिस आई ही गांव में और कह के गई है कि जब तक सुंदर नहीं आता उसके बाप नहीं छोड़ेंगे, पुलिस आपके पाप आ लेगी। यू तो पुलिस की गलतफहमी है कि वे सुंदर के बाप अरेस्ट कर लियो तो सुंदर अरेस्ट हो जाएगा, सुंदर फरार ही रहेगा और फरार है। और काल का माप है छत्र चढ़ाएगा सुंदर। भाई एक बात और है, कालका माँ के मंदिर पे पुलिस को बहुत तगड़ा फहरा है, पूरे जग की पुलिस वहीं लगा दी। फिर भी सुंदर होंगे छत्र चढ़ाएगा और कालका माता को जयकार बोल के सबके बीच से फरार होएगा। सुने जाते रहो, एक काम और कर तो दियो, दादी सती पे मारे नाम को प्रसाद चढ़ा दियो। ठीक। काफी जनता आ रही थी रे, मंदिर की सजावट भारी शोभा न्यारी न्यारी थी। अरे आवेगा जरूर।
घेरा थारे खड़ी थी तैनात हो गए चोगर देखा घेरा थारे हाथों में हथियार लिए अमीसन भतेरा था बहुत होगी भाई पूजा, अब तुझे करवाता हूँ खोने की पूजा। आज तक सुंदर कोई पकड़ पाया हो तो पकड़ेगा, और मेरी किसी से बैर ना है, पर जिसने मेरा रास्ता रोक लिया ना वह पापी की खैर ना है। जो भी तुम्हारी सीआईडी और पुलिस भेज बदल कर खड़ी है, जो मेरे सामने आगा ना वही निपटा दूंगा आज। अब सारे के सारे सुन लो, जो भी बीच में आएगा ना मारा जाएगा। सुंदर तो फिर भी हुआ फरार, रे दुश्मन चक्कर खा गए, रे ऐसा नहीं ना मिले दिलदार, रे गोली बंदूक चाल रही, सुंदर तो फिर भी हुआ फरार। सुंदर के फरार होने के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। सुंदर के गांव के लोगों ने एक पंचायत बैठाई, जिसमें इंस्पेक्टर को बुलाया और बोले चाहे तो तुम छज्जू को छोड़ दो वरना। देखो एसपी साहब, ऐसी बात है, अक पुलिस को और बदमाश को तो चोली दामन को साथ है, अब रह गए हम गांव के। भाई या तो हमारे छज्जू निकालो और नहीं हम जो है अब धरना प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है अक उपद्रव भी हो, हम जीटी रोड है जो हम करेंगे। देखो प्रधान जी ऐसा कुछ मत करना, जितना हो सके हम अपनी ओर से पूरी मदद करेंगे आपकी, और हो सके हम छज्जू को बाहर जल्दी करेंगे। नहीं मैं हमारे छज्जू की है। नहीं नहीं हम अपनी ओर से पूरी और नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं जी हम आपकी, ऐसा कुछ मत करना है अभी, क्योंकि हमारे ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है और मैडम की बार बार कॉल आ रही है। आपकी समस्या क्या करें, ये तो यार बहुत आगे बढ़ रहे हैं गांव के लोग, अगर थाने में आग लगे ऊपर तक बात जाएगी, और ऊपर तक बात जाएगी तो हमारी तेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा यार। कैसे करें बताओ यार, मेरा मन है एक चीज करने का, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम छज्जू को छोड़ दें। पुलिस ने छज्जू को छोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि सुंदर अपने पिता से मिलने जरूर आएगा, वहीं दूसरी तरफ सुंदर अपने पिता से मिलने के लिए परेशान था और सोच रहा था जो मैंने किया उसकी सजा मेरे पिता क्यों भुगत रहे हैं। चाचा चलो, आज तुम्हारे आईए साहब बुला रहे हैं। राम राम जी, आओ जी आओ बैठो बैठो जी। ले आया? हाँ जी। चलो भाई छज्जू। हाँ जी भाई, जितनी मेहनत हमने करी है ना, दरोगा जी इनके इन्हन के हाथ जोड़े हैं,
जैसे भी करो है, अब तू छुट गो है भैया, तेरो लड़का वहां को इंतजाम कर, वहां अरेस्ट करवा या वहां पेश कर, या जैसे भी तेरे जी करे वैसे कर, पर या काम करो भाई। नहीं हो पाता तो एक काम और कर लो, हमें थोड़ा सुराग दे दो या कहीं उसकी सुराग दो। पड़ेगा देखो जी, हम जो हम से पूरी मदद करेंगे। घर छोड़ दिया है, उठाए पेश कर, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा प्रधान जी, चले प्रधान जी। पुलिस को मुखबरी मिलती है कि सुंदर की पूरी टीम फरीदाबाद के जंगलों में रुकी हुई है। पुलिस जंगल में छापा मारती है। घरवाले से मिलने चलना है, बहुत दिन हो गए उनसे मिले। भैया सुंदर, पुलिस जो चौगड़ से डोर ली है, तलाश में दोनों उनकी में। पुलिस को तो कौम है, जो कौम तो है फिर भी तलाश में है, कहीं भी एनकाउंटर हो सकता है हमारा। मरनो आज है और कल भी है, पर घर के इनसे जरूर मिलकान हो, बहुत दिन हो गए यार मिले। चल ठीक है, कैसी कर ले, मरने से पहले एक बार तो मिल ले वह। हाँ यू बात भी। सुंदर, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तो अपनी जानकारी ना है, रिश्ता छोड़ दे नहीं मारा जाएगा। सुंदर, मुझे तो अपनी जान प्यारी है, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। क्या आज तो तेरे हाथ आवे ना होंगे, कभी फिर देख लीजो। सुंदर खेमचंद की मौत के बाद अंदर से पूरा टूट चुका था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को इतनी बड़ी सफलता मिली, वो बहुत ज्यादा खुश थे। मैडम ने इंस्पेक्टर को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, तुम्हारा प्रशासन क्या कर रहा है? आपको पता था। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, मुझे सुंदर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ऐसा सुनके इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी टीम सुंदर को ढूंढने में लगा दी। वहीं मैडम ने 3 स्टेट की पुलिस इंस्पेक्टर की सहायता के लिए दे दी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। अब इंस्पेक्टर के हाथ ज्यादा मजबूत हो चुके थे। आखिरकार यूपी पुलिस को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सुंदर की पल पल की खबर दी। अब सुंदर की मुझे पक्की खबर है, वह अमीपुर के जंगल में छुपा हुआ है। साहब सुंदर, पक्की खबर है? पक्की खबर है। इस बार मौका हाथ से निकल गया तो सोच लो सुंदर हमारे हाथ से निकल गया। चलो भाई सागर, चलो। सुनो, सील वर्दी में जितना हो सके इतने जवानों को तैयार करो, आओ। आ!
हेमचंद के बारे में पता पड़ा, बड़ा दुख हुआ और मैं सुनते नहीं अपने गैंग लेके तेरे साथ आ गया। पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ बहुत बुरा करो, मेरा जिगरी यार मार दियो, अब एक नहीं बख्शू, सब एक धोरे से चाहूंगा, एक धोरे से चुनने सारे सारे। सुंदर, इस लड़ाई में मैं और मेरा गैंग तेरे साथ हूं। चलो चलो चलो, जिंदे रहेंगे तो फिर मिलते रहेंगे। सुंदर 6 घंटे की पुलिस की मुठभेड़ के बाद अमीपुर के जंगल में से भाग निकला और जाकर एक पानी से भरे खेत में घुस गया। पुलिस को पता चला सुंदर इस पानी भरे खेत में घुस गया है। तभी पुलिस ने खेत को चारों तरफ से घेरा और उसमें करंट छोड़ने का निर्णय लिया।